हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स। तो अब तक की क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एंड देन उसके बाद पाइपराजीन और पायरेंटल पामोएट डिस्कस किया था। और इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइलेरियासिस का ट्रीटमेंट और उसमें हमने डिस्कस किया था डाइथाइल कार्बामाजीन। तो उसी लाइन में हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं फाइलेरियासिस में आज के टाइम में जो फर्स्ट चॉइस ड्रग है आइवरमैक्टिन। तो आज की क्लास में हम आइवरमैक्टिन को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइवरमैक्टिन। तो सबसे पहले बात यह है कि आइवरमैक्टिन जो है ये ऑप्टेन कहाँ से होती है। सो इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग, इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग एंड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम अ माइक्रोब। सो माइक्रोबियल सोर्स क्या है इसका, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन एवर मिटिलिस। सो यहां पर है, आप लोग ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आइवरमैक्टिन का जो सोर्स है वो क्या है। तो ये आपको लोगों के लिए जीपैट और नीट पीजी में इंपॉर्टेंस रखता है और फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो आपको सोर्स इसका लर्न करके रखना है। क्लियर? और वैसे भी आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। देखिए इसमें आइवरमैक्टिन आ रहा है और यहाँ पर जो इसका नेम की स्टार्टिंग हो रही है वो एवरमिट हो रहा है, तो डब्ल्यू ई आर एम जो वर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं। क्लियर? तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइवरमैक्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये दूसरी जो एंटी हेलमेंटिक ड्रग है उससे डिफरेंट इसका मैकेनिज्म एक्शन है, तो ये लर्न करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में मोटर न्यूरोन साइट्स है। तो प्री जंक्शनल न्यूरोन्स और पोस्ट जंक्शनल न्यूरोन है। सो प्री जंक्शनल न्यूरोन को हमने बोला है यहाँ पर इंटर न्यूरोनल टर्मिनल और पोस्ट जंक्शनल को बोला है हमने मोटर न्यूरोन टर्मिनल। तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो वर्म्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ वर्म्स के अंदर जो है चैनल है हमारे पास में कौन सा, ये दिस इज क्लोराइड चैनल, ये क्लोराइड चैनल है और ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इंटर न्यूरोन टर्मिनल्स के अंदर वेसाइकल्स होती है और वेसाइकल के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर है और जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो कौन सा ट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है? अब जनरल इन जनरल होता क्या है, ग्लूटामेट जो है यहाँ पर जो है ये बस्ट होती है। ओके? ये बस्ट होती है और ग्लूटामेट जो है वो रिलीज होता है। ग्लूटामेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीज होता है। क्लियर? सो ग्लूटामेट रिलीज होकर ग्लूटामेट बाइंड करता है ग्लूटामेट बाइंडिंग साइट से। तो यहां पर आप देखिए दिस इज व्हाट ग्लूटामेट बाइंडिंग साइट, ग्लूटामेट बाइंडिंग साइट है इसी चैनल पर। सो ये क्लोराइड क्लोराइड ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल है, उसी पर ग्लूटामेट बाइंडिंग साइट है एज वेल एज इसी चैनल पर हमारे पास में आपको आइवरमैक्टिन बाइंडिंग साइट मिलेगी। दिस इज आइवरमैक्टिन बाइंडिंग साइट। ओके? तो जनरली इनएक्टिव कंडीशन में क्या होगा, ये चैनल क्लोज रहता है। क्लियर? और जब इस पर अगर ग्लूटामेट बाइंड होता है तो चैनल ओपन हो जाता है। तो अगर अब हमारे पास में यहाँ पर ये कंडीशन है, ये देखिए ये जो ग्रीन कलर में मैंने बॉक्स बनाया हुआ, ये हमारे पास में ड्रग है आइवरमैक्टिन। ओके? तो जब ड्रग यहाँ पर बाइंड करेगी तो ड्रग के बाइंड करने के बाद में क्या हो जाएगा, चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा और जो हमारे क्लोराइड आयन्स हैं वो क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। ओके? सो क्लोराइड आयन जो हैं वो क्या करेंगे, इनसाइड में मूव कर जाएंगे। इनसाइड में क्लोराइड आयन के मूव करने से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, इट कॉज हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होने से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन से ये क्या कर देंगे, टॉनिक पैरालिसिस कॉज कर देंगे। क्या कॉज कर देंगे, टॉनिक पैरालिसिस। अगर टॉनिक पैरालिसिस हो जाएगा तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, वर्म जो है वो किल हो जाएगा। अब यहां पर एक बार देखने के प्रयास करते हैं कि जो आइवरमैक्टिन है वो फाइलेरिया सिस्ट में भी यूज आ रही है, तो
तो फाइलेरिया सिस्ट में जो लाइफ साइकिल है, डाइथाइल कार्बामाजीन वाले क्लास में मैंने आपसे लाइफ साइकिल डिस्कस किया था, तो वहां पर दो हमारे पास में कंडीशन है, वन इज माइक्रो फाइलेरी, माइक्रो फाइलेरी और मैक्रो फाइलेरी स्टेजेस, मैक्रो मैक्रो फाइलेरी स्टेजेस। ओके, सो ये दो स्टेजेस होती है उसकी लाइफ साइकिल की। तो यहां पर डाईथाइल कार्बामाजीन जो है वो दोनों ही स्टेज को किल करती है, बट जो आइवरमैक्टिन है वो केवल माइक्रो फाइलेरी को किल करती है, मैक्रो फाइलेरी को किल नहीं करती है। तो आप लोगों को याद रखना है यहां पर कि जो माइक्रो फाइलेरी की जो स्टेजेस हैं उसी को आइवरमैक्टिन किल कर रही है। तो टोनिक पैरालिसिस की वजह से केवल और केवल कौन सी स्टेज किल होगी, माइक्रो फाइलेरी स्टेजेस को है वही किल होंगी और मैक्रो फाइलेरी स्टेजेस किल नहीं होंगी। ओके, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। सो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, जो इसके एक्शन को इस एक्शन को सपोर्ट करता है, वो कौन सा एक्शन है? तो यहां पर आइवरमैक्टिन जो है वो गाबा अर्जिक ट्रांसमिशन को पोटेंशिएट करती है। इट पोटेंशिएट पोटेंशिएट गाबा अर्जिक ट्रांसमिशन, गाबा अर्जिक ट्रांसमिशन इन वर्म्स। वर्म्स के अंदर गाबा अर्जिक ट्रांसमिशन को ये क्या करती हैं? पोटेंशिएट करती हैं, और उस वजह से भी जो है टोनिक पैरालिसिस होने में हेल्प मिलती है। क्लियर? तो दोनों ही रीजन है। अब यहां एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास में क्लोराइड चैनल है, ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल है, यहां पर ये इस तरह के चैनल में आइवरमैक्टिन जो है वो वर्म्स के ही चैनल को मोर सेलेक्टिव होती है, और जो ह्यूमन के चैनल होते हैं उसमें लेस सेलेक्टिव होती है, उनसे बाइंड नहीं होती। इसीलिए ह्यूमन्स को ये कम साइड इफेक्ट या कम नुकसान पहुंचाती है, और ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगी? आइवरमैक्टिन जो है किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? वर्म्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अब यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जो हमारे पास में फ्लूक्स हैं, फ्लूक है एंड टेप वर्म जो है, टेप वर्म, दोनों के अंदर जो है दे डू नॉट हैव ग्लूटामेट ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल इनके अंदर नहीं होता है। तो आइवरमैक्टिन जो है वो फ्लूक और टेपवर्म में इफेक्टिव नहीं होती है। सो आइवरमैक्टिन नॉट इफेक्टिव इफेक्टिव इन फ्लूक एंड टेपर। तो यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि आइवरमैक्टिन इज नॉट इफेक्टिव इन विच काइंड ऑफ वर्म्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लूक और टेपर दोनों के अंदर ही ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल एबसेंट है, और ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल अगर एबसेंट होगा तो आइवरमैक्टिन जो है वहां पर एक्ट नहीं करेगी। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका समझ में आ गया होगा। नाउ लुकिंग ऑन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, सो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखते हैं हम आइवरमैक्टिन के। सो आइवरमैक्टिन देखिए, सबसे एक तो हाईली पोटेंट ड्रग है। ओके, इट इज हाईली हाईली पोटेंट ड्रग है। और अगर हम इसका टी हाफ देखें तो टी हाफ इज वेरी लॉन्ग, इट इज अराउंड 48 to 60 आवर्स लॉन्ग है। और इसका अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म जो है इसका साइटोक्रोम P450 के थ्रू होता है, साइटोक्रोम P450 3A4। ओके, सो 3A4 के थ्रू होता है, बट जो है ये बहुत ज्यादा क्लिनिकली रिलीवेंट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कॉज नहीं करता है। सो दैट इज बेनिफिशियल पॉइंट यहाँ इस बात के लिए, ये बेनिफिशियल पॉइंट है कि ज्यादा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कॉज नहीं करता है। अब यहाँ हम इसके एडवर्स इवेंट देखने का प्रयास करते हैं कि एडवर्स इवेंट क्या कॉज कर रहा है। ओके, सो
सो एडवर्स इवेंट के लिए हमारी जो लर्निंग ट्रिक है वो देखिए क्या निमोनिक्स है हमारा, कॉन्टिन्यूअस पैग। ओके, कॉन्टिन्यूअस कोई पैग लगा रहा है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस से हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। पैग में पी से जो हो जाएगा हमारा प्रूराइटिस। ई फोर हमारा जो है वो ईसीजी है, ईसीजी जो है वो कैसी हो जाती है, ट्रांजिएंट हो जाती है, ट्रांजिएंट ईसीजी। एंड जी फोर जो है वो गिडीनेस कॉज करती है, इट इज कॉजिंग व्हाट, गिडीनेस। गिडीनेस का मतलब होता है कि जैसे चक्कर आना, ठीक है। सो गिडीनेस में क्या होता है, पर्सन ऐसा फील करता है कि जैसे कहीं वो गिर जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। इसके अलावा और क्या है, जब वर्म जो है वो किल होता है, वर्म जब किल होता है तो उसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज होते हैं, और ये टॉक्सिन भी कुछ साइड इफेक्ट कॉज करवाते हैं। तो वो कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, ये है फीवर कॉज करवाता है, ओके, टेडर टेंडर लिम्फ नोड कॉज करता है, लिम्फ नोड हो जाती है, ओके, एंड मायाल्जिया हो जाता है, एंड अर्टिकेरिया हो जाता है। सो ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसमें को ये फील होता है। सो दीज आर द एडवर्स इवेंट जो कि वर्म के किल होने से और टॉक्सिन रिलीज होने से वो होते हैं। तो ये फीवर हो गया, टेंडर लिम्फ नोड हो गया, मायाल्जिया हो गया और अर्टिकेरिया हो गया, बेसिकली ये इंफ्लामेटरी रिएक्शन ही हैं। ओके एवरीवन, नाउ लुकिंग ऑर द यूजेस, सो यूजेस देखिए, यूजेस किस तरह के निमोनिक्स से हम याद करेंगे। सो इसको देखिए, फिर स्ट्रॉन्ग एसपी। ओके, फिर स्ट्रॉन्ग एसपी। अब देखिए इसको कैसे लर्न कर सकते, फिर एफ आई मीन्स फाइलेरिया सिस, आर फॉर रिवर ब्लाइंडनेस, रिवर ब्लाइंडनेस, स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग गाइलोइडोसिस, एस फॉर स्केबीज एंड टी फॉर पेडिक्यूलोसिस। ओके, सो देखिए हमने एडवर्स इवेंट में पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस पैग, तो जिस जगह कॉन्टिन्यूअस पैग लगाए जाएंगे वहां हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसपी चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, फिर स्ट्रॉन्ग एसपी, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो आपको जो यूजेस हैं वो याद हो जाएंगे। अब इंडिविजुअली हम हर एक डिजीज को देखते हैं। देखिए हमने फाइलेरिया सिस्ट को सबसे पहले देखते हैं, फाइलेरिया सिस्ट में क्या हो रहा है। फाइलेरिया सिस्ट के अंदर हमारे पास में जो हम ड्रग दे रहे हैं दैट इज 10 to 15 mg डोज दी जा रही है, किसकी, आइवरमैक्टिन की। ओके, और फिर इसको साथ में 400 mg जो है वो एल्बेंडाजोल दिया जा रहा है, एल्बेंडाजोल दिया जा रहा है, ठीक है, और टोटली इसको 95 to 100% इरेडिकेट करने के लिए, क्योर करने के लिए क्या दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है, एनुअली एनुअली 4 to 5 years तक दिया जाता है। सो ये तो फाइलेरिया सिस्ट का ट्रीटमेंट हो गया, और फाइलेरिया सिस्ट में इन्होंने डीईसी को भी कुछ हद तक काफी केसेस में यहाँ पर आइवरमेक्टिन प्लस एल्बेंडाजोल के कॉम्बिनेशन ने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में है रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस में जो है रिवर ब्लाइंडनेस जो है ऑन्को ऑन्कोसिरा का, इट इज कॉज बाय ऑन्को सर्कोइसिस और ऑन्को सर्कोइसिस वॉल्वुलस के थ्रू कॉज होता है, ठीक है। तो ऑन्को सर्कोइसिस में भी हम इसको यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज है वहां पर काफी ज्यादा फैल जाता है, तो वहां पर इसकी 0.2 mg डोज जो है वो प्रेफर की जाती है, क्लियर। एंड देन फर्दर स्ट्रॉन्ग गाइलोसिस में भी डाइथाइल कार्बामाजीन को यहाँ पर क्या कर दिया है, आइवरमैक्टिन ने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर जो डोज दी जा रही है वो कौन सी डोज दी जा रही है, दैट इज ऑल्सो अगेन 1.5 to 0.2 mg
डोज दी जा रही है, और ये जो डोज दी जाती है, अगर स्टिल अगर रेगुलर डोज देने के बाद भी अगर पॉजिटिव आता है केस, स्टूल स्टूल इज पॉजिटिव, स्टूल इज पॉजिटिव फॉर वर्म्स, देन अगेन जब तक कि वो क्योर नहीं हो जाता तब तक अगेन अगेन डोज गिवन, अगेन डोज रिपीट की जाती है, ठीक है। सो स्ट्रोंगाइलोसिस के अंदर भी इसको दिया जा रहा है, फर्दर इसके बीज में दिया जा रहा है, पेडिकुलोसिस जो हेयर लाइज है वहां पर भी इसको यूज किया जा रहा है, और आइवरमैक्टिन जो है रिसेंटली COVID-19 में भी इसको यूज अप्रूवल मिला है। सो याद रखिए COVID-19 के अंदर जो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन में भी आइवरमैक्टिन को यूज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में क्लिनिकल ट्रायल्स हुई तो वहां पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए और कोविड आइवरमैक्टिन को यूज किया गया। क्लियर एवरीवन? हेलो एवरीवन, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन राउंड फ्रॉम एंटी हेलमेंथिक ड्रग पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हेलमेंथिक ड्रग इज प्रूव्ड टू बी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19? ए पाइप्राजीन, बी आइवरमैक्टिन, सी मेबेंडाजोल एंड डी एल्बेंडाजोल। क्वेश्चन नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइवरमैक्टिन इज ए इट ब्लॉक ग्लूकोज अपटेक इन वर्म, बी इट कॉज हाइपरपोलराइजेशन इन वर्म, सी इट ऑल्टर माइक्रोफाइलरी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन एंड प्रमोट सेल डेथ, डी इट एक्ट थ्रू ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल एंड कॉज पैरालिसिस इन वर्म। क्वेश्चन नंबर 3, आइवरमैक्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमिटिलिस, बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, सी स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडी, डी स्ट्रेप्टोमाइसिस पायोजीनस। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिवर ब्लाइंडनेस इज ए आइवरमैक्टिन, बी पायरेंटल पैमोएट, सी लिवामाइजोल एंड डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, आइवरमैक्टिन इज ए माइक्रोफाइलेरिसाइडल, बी मैक्रोफाइलेरिसाइडल, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो आई ऑलरेडी गिवन आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन इन माई लेक्चर, सो गो थ्रू विद द लेक्चर एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर मैं आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस के आप आंसर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।